True leadership is not about power, but purpose. It's the courage to serve others, inspire change, and create a path for others to follow. Meet Wahid Ur-Rehman Miah, a visionary thinker, a mentor, and a leader with an unwavering commitment to creating positive change. एमआर फाउंडेशन का आगाज जो हमने गालबन 2009 ईयर से भी पहले किया था. अगेन द आइडिया बिहाइंड वाज के हम लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकें, और इसका एक ऑब्जेक्टिव ये था कि इसके लिए जो फंडिंग हम करेंगे, वी ट्राइड एंड सो फार अपार्ट फ्रॉम वन इवेंट आई डोंट रिमेंबर कि हमने कोई इवेंट, फंड रेजिंग इवेंट रखा हो जिस पे हमने पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की हो. सो वी ऑलवेज ट्राइड टू रेज from our own resources. That is my different business ventures or my जो बिल्कुल करीब तरीन दोस्त हैं उनके जरिए हम इसको करें. ज्यादातर काम जो फाउंडेशन ने हमारी में किया है वो पाकिस्तान में किया है और किसी हद तक यूके में किया है. एंड दैट इज इन द फूड सेक्टर, दैट इज इन द एजुकेशन सेक्टर, दैट इज इन हाउसिंग सेक्टर. दो तीन दफा फ्लड्स आए पाकिस्तान में तो उसमें लोगों की हमने हेल्प इस तरह की कि उनको घर बना के दिए. बाकी टाइम टू टाइम यहाँ भी जो होमलेस कम्युनिटी है हमारी उसके लिए हम कुछ करते रहते हैं. मैं नहीं चाहता कि उसकी ज़्यादा हम एडवर्टीजमेंट करें क्योंकि उसका मकसद कुछ और है, एंड दैट इज आई एम हैप्पी विद दैट. उसका मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं. आई एम सेटिस्फाइड इन माई ओन वे. इट्स अ लिटिल छोटी फाउंडेशन है, छोटा काम कर रही है, बट ठीक कर रही है. म्यूजिक से मुझे इंटरेस्ट रहा है, इसलिए एक कंपनी यहाँ पे बनी हुई है, नुसरत फतेह अली खान म्यूजिक एकेडमी. बहुत अरसे से उस पर काम हो रहा है. नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ हमारी फैमिली का एक पर्सनल कनेक्शन बन चुका था बिकॉज ऑफ सूफी म्यूजिक, बिकॉज ऑफ कवाली. हमारी फैमिली में, खानदान में कवाली बहुत सुनी जाती थी, अभी भी सुनी जाती है फ्रॉम माई ग्रैंड फादर एज फार एज आई रिमेम्बर. तो नुसरत फतेह अली खान के वालिद उस्ताद फतेह अली खान साहब और उनके आगे भाई उस्ताद मुबारक खान साहब, तो ये वो लोग हैं जिनसे मेरे बचपन में मेरे वालदैन सुनते रहे, वालिद सुनते रहे. चूंकि हम सऊदीया रहते थे, देयर यूज्ड टू बी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम रियाद टू मक्का एंड मदीना, अराउंड 12 आवर्स दोज डेज. सो हम सारा रास्ता जो है ना वो ये खान साहब की क्वालियाँ सुना करते थे. खान साहब के जाने के बाद जो है फिर यहाँ पे हर साल हाजी इकबाल की भी साहब उनके जो मैनेजर है वो उनकी एक याद में एक इवेंट रखा करते हैं हर साल. तो उस इवेंट को हम पूरी तरह सपोर्ट करते हैं. इट विल बी हैपनिंग इन फ्यू डेज अगेन. सो वो एक सूफी म्यूजिक के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी चूंकि मेरा है, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, तो उस वजह से म्यूजिक सिर्फ सूफी म्यूजिक की हद तक आई हैव इंटरेस्ट, और उस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन भी चल रही है. ये लॉ चैरिटी या ये म्यूजिक के अलावा जो और मेरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं वो एजुकेशन है. एजुकेशन को एज ए पैशन लिया था. लॉ इज़ माय प्रोफेशन. लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो पैशन हैं, एक पॉलिटिक्स मेरा पैशन है और एक एजुकेशन मेरा पैशन है. सो एजुकेशन में कॉलेज हमने स्टार्ट किया था अराउंड 2010. इट इज स्टिल ऑन अल्हम्दुलिल्लाह. माय अदर कलीग्स, माय टीम, दे आर रनिंग इट सक्सेसफुली. सो दैट इज़ ऑन गोइंग. उसके अलावा आई बीन टू रियल स्टेट. पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कर रहे हैं. यूके में कई प्रोजेक्ट्स आगे पाइपलाइन में हैं जो हम करेंगे. इसके अलावा और बहुत से मेरे इंटरेस्ट हैं जो डेवलप हो रहे हैं, पाइपलाइन में हैं. आई ऑलवेज थिंक कि अल्लाह पाक ने अगर आपको सलाहियत दी है तो आपने उसको 100% यूटिलाइज करना है. नॉट इसलिए कि आपको ज़्यादा पैसे चाहिए, नॉट नेसेसरली, लेकिन कई दफ़ा आपको ज़्यादा पैसे इसलिए भी चाहिए होते हैं कि आप अगर लोगों के साथ कुछ काम करना चाहते हैं, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो खाली हाथ नहीं होती. खिदमत जो है वो भरी जेब के साथ होती है. तो इफ़ यू हैव द एबिलिटी एंड अल्लाह हैज़ गिवन यू एन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ कैश ऑन. आप बढ़ाएं अपने आप को, अपनी टीम को बढ़ाएं. उस वक्त तक काम करें जब तक आप काम कर सकते हैं, और खिदमत जो है वो सबसे बड़ी इबादत है. Even sitting in UK, Pakistani politics, UK politics, I am a member of a political party here in UK, but not very often I contribute or I go and participate in the events, but once in a while I do. कोई annual conference हो गई, इसमें चले गए.
वोट की हद तक सपोर्ट कर दिया. सो माय पॉलिटिक्स टू डू विद पाकिस्तान, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, आज भी करता हूँ, उसी पार्टी के साथ हूँ, लेकिन पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान के लिए हम सियासत कर रहे हैं, उसके लिए जो आज की दिन में हमें लगता है कि बेहतर लीडर है, बेहतर पार्टी है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे, अनलेस उससे कोई अच्छा लीडर आ जाए, अभी तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा. I got married here in 2000. It was family arrangement. So family arrangement ke natije mein meri shaadi hui, and it happened to be ke jahan meri shaadi hui, we knew each other from Lahore. My in-laws are from Lahore, and they early 90s they came over here. So my wife was born and to some extent brought up in Lahore, and then she was here. So I'm very happy, very satisfied. And I'm happy as I started with ke I have a very supportive wife. Sabse badi khubi uski ye hai ki wo bahut achi chef hai, bahut achhe desi khane banati hai. Phir wo bahut achi maa bhi hai kyunki mere char bacche hain aur mujhe unki koi duty nahi karni padti, koi schooling mein unki help nahi karni padti, kyunki I don't have time, and she is doing all that. My first child is just starting masters from King's College. The second one is in her final year of degree, and then the other two are a little younger. So maine force nahi kiya, meri khwahish hai ke unme se koi law mein aaye, and I believe ke definitely out of four, teen nahi to do zarur law mein aayenge, and I wish that ke wo aaye. Hopefully unme se meri legacy ko is प्रोफेशन को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह.